मॉर्निंग, आज का ब्लॉग मैं 8:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सोना उठते टीवी चालू करने लग गई, मैं बिस्तर समेटने जा रही थी तो मैंने बोला वीडियो स्टार्ट कर लूँ, बहुत दिन से की नहीं है ऐसे आमने सामने से, एंड ही करती हूँ। तो अब जा रही, ठंडा मौसम हो रहा है, रात भर बारिश हुई है तो ठंडे मौसम में नींद ही नहीं खुलती, ऐसा लगता है सोते रहो सोते रहो, तो हो ही नहीं रहा। अब जा रहे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, बिस्तर उठाएंगे, फिर बिस्तर लगाएंगे, चले गए हैं। और चलिए, और देखिए कैसे फैल गया कमरा, क्योंकि खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो बोतल वगैरह रोटी वगैरह रखने का यहीं पे छोड़ देते हैं। और देखिए कैसे टीवी देखने में लग गए हैं। और अब तो न्यूज़ में दे रहे हैं स्कूल खुलने वाले हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे खुले या नहीं खुले, प्लीज़ बताना, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार, देखिए चूड़ी वो लग गई है, आप लोग कमेंट करिएगा तो पता चल जाएगा कि आप लोगों के यहाँ पे खुले। न्यूज़ में कल दिया था तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, वैसे तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, टीवी की आवाज़ आ रही है, काम करते हैं और हाउस क्लीनिंग करते हैं, हाउस सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तो चलिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे उस दिन का सामान रह गया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये इसका अगर आप लेना चाहें तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग पूछते रहते हो ना तो मैं बता दे रही हूँ। ये संतूर का साबुन है जो कि हर बार मंगाती हूँ, पिछली बार पता नहीं किसका ध्यान नहीं रहा उसका मंगाया था, इस बार चंदन का मंगाया था जो कि गाँव में भी हमने मंगाया था। ये एक फेस वॉश है जो कि इसके साथ ब्रश है, अच्छे से आपके चेहरा क्लीन होता है और ग्लो दिखता है, और इसमें खुशबू बेहद सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। फेस वॉश ख़त्म हो गए थे तो साबुन है, फेस वॉश है, और ये मेकअप साफ़ करने का वो वाटर है। अभी एक मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ आज या कल में, जो टाइम जा रहा है वही जा रहा है, डेट नहीं दे रही हूँ। और ये कल तो दिखाई थी कमरबंद, ये ध्यान ही नहीं रहा, सामान लेके बैठो तो ध्यान ही नहीं रहता क्या दिखाए क्या नहीं। एक ये लोरियार का शैम्पू, शैम्पू बहुत अच्छा है, ये मेरा 3-4 महीने चलेगा, 1 महीने नहीं, बहुत टाइम के लिए फ्री, गांव में मंगाया था वो अब जाके ख़त्म हुआ है, और ये मंगाया अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। और अमेजोन पे ऑफ़र चलते रहते हैं, सेल वगैरह कॉम्बो वगैरह ये सब चलते रहते हैं, तो डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है। और ये मैंने मंगाई है मेकअप किट, बहुत ही प्यारी सी मेकअप किट है, ये देखिए आई शेडो के, आई मेकअप के सारा कुछ है इसमें, ये देखिए हाइलाइटर मेरे पास, मैंने बहुत पहले मंगाया था वो हाइलाइटर है, और इसके साथ ब्रश वगैरह आए हैं मेकअप करने के, वो मैं अभी ये देखिए दिखाती हूँ, देखिए ठीक है मुझे कौन सा, मैं मेरा मेकअप का काम है जो मुझे इतने सारे मतलब अच्छी क्वालिटी वाले और वैसे ज़्यादा वाले चाहिए, मेरे लिए ये काफ़ी है, ये आईब्रो सेट करने का, फेस पे वो हाइलाइटर वगैरह लगाने का, आई मेकअप ब्रश भी है, मतलब सब कुछ है अच्छा है। तो फिर मैंने एक ये मंगा लिया है क्योंकि करवा चौथ आ रही है, इतने सारे त्यौहार, अब तो त्यौहार ही त्यौहार है, एक जाएगा एक आएगा, तो ये सारे हैं, ये आई मेकअप है तो मुझे ये अच्छे लगे। आप लोग बताइए, अच्छी मेकअप किट ना, फर्स्ट टाइम ली है मैंने, एक गांव में ली थी वो तो दीदी को दे दी थी, आप लोगों को ध्यान हो मैंने एक गांव में मेकअप किट ली थी वो दीदी को दे दी थी। और यहाँ पे धूप निकल आई है, धूप निकलने के बाद यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी क्योंकि सूख जाएंगे कपड़े, तो अच्छा रहता है और फिर महक भी नहीं आती है, तो इसीलिए तो बहुत अच्छी धूप आ रखी है, सारे कपड़े मैंने फैला दिए, नहीं तो पूरा घर फैला फैला सा दिखता रहता है। तो चलिए इसको फैला देती हूँ। कपड़े वपड़े सुखाने के बाद यहाँ पे मैं इस वाले कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ और इधर का गेट खोल लेती हूँ क्योंकि इधर से बहुत हवा अच्छी आती, सारा कमरा है समेट दिया है, फोल्डिंग हटा दिए, जब झाड़ू आड़ू वगैरह लगा दूँगी तो वापस से इसको बिछा दूँगी। और देखिए सोना कैसे टीवी में घुस के देख रही है, टीवी में आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा वो रहते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू आड़ू ही कमरा क्लीन करने के बाद अपना किचन को साफ़ करूँगी और बच्चों को नहलाऊँगी धुलाऊँगी क्योंकि अभी मौसम थोड़े ठंडे हो रहे हैं और मौसम बड़े ख़राब हैं,
हैं, प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिए। अभी बीमारियों का घर है, बहुत ज़्यादा मौसम अभी ऐसा चल रहा है। मेरी मम्मी, मेरी दोनों छोटे भाई बहन, उनकी तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है, तो ये बच्चों को बचा लिया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बच्चों को बचाइए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से करके जाइएगा। तो देखिए इतना सारा कुछ भी मट्टी, धूल मट्टी कुछ नहीं होती, तब भी कितना कागज़ वगैरह बच्चे फाड़ फूड करते रहते हैं ना, तो वही सब कचरा हो जाता है। वैसे तो किचन में ही सारा काम वगैरह होता है, तो बस इनको करने के बाद मैं नहा धो लूँगी, पोंछा वगैरह लगा दूँगी। देखिए कितने सारे कागज़, चिप्स के पैकेट, कहीं कुछ, बस बच्चों का यही लगा रहता है। तो ये वाला रूम साफ़ हो गया, उस वाले रूम को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था क्योंकि उसमें दिया बाती होता है। अब किचन साफ़ करना है, यहाँ पे सारा, ये देखिए चप्पल वगैरह सेट करके हॉल को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आजकल पता है मेरी क्या आदत हो गई है, वाइपर में पोंछा लगा लेती और फिर उसको कर देती हूँ, और मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और अच्छा भी लगता है, खड़ा खड़ा से काम करने में मज़ा आता। देखिए धूप कितनी अच्छी से निकली है ना। तो यहाँ पे देखिए किचन कितनी फैली हुई है, चाय बनाई है, ब्रेड सेक है, सैंडविच बनाई है, उसी में कितनी किचन फैल गई। और बल्कि मैं रात को साफ़ करके ही लेटती हूँ क्योंकि सुबह मुझे साफ़ मिले, काम करने का मन हो, साफ़ सुथरी चीज़ देखो ना तो काम करने का मन होता है। अगर अच्छी देख लो ना, गंदी देखो तो फिर तो मन ही नहीं करता। और साइड में मैंने किचन का कपड़ा सुखाया है, तो देखिए अभी इतनी गंदी दिख रही है और 2 सेकेंड में अभी क्लीन हो जाएगी, सारा सामान अपनी जगह पर साफ़ सुथरा हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। हर चीज़ है वो अपनी जगह पे हो तो अच्छी लगती है, अपनी जगह पे ना हो तो वो अच्छी नहीं दिखती है। तो उधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, दूध का मुझे बनाना है पनीर। 1.5 किलो दूध लाए थे तो बच्चों को दे दिया था, मलाई निकाल ली थी, अब 0.5 किलो या कुछ ज़्यादा का पनीर बना लूँगी। और मुझे बनाने हैं, क्या बनाने वो आप खुद देखिएगा, ये बच्चों को दूध दे दूँगी। और ब्रेड सेक लिए थे, चाय वगैरह सारा हो गया है, मतलब नाश्ता पानी, ये बंसी का सोना क्योंकि फिर उसकी क्लास लगने लग जाती है तो फिर वो लेट हो जाता है काम, कभी कभी दे भी नहीं पाती हूँ काम में, भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने डाल दिया है दूध में नींबू। ये फटता रहेगा, मैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी और किचन भी अच्छे से हो जाएगी। देखिए तो जो दूध है वो उठा के रख दिया है, और ये यहाँ पे सारा देखिए साफ़ करके, और इसको ये है ना, रोटी सब्जी बनाते हैं तो इन पे कहीं आटे के हाथ लग जाते हैं, कहीं किसी के हाथ लग जाते हैं। और इस थैली में मैंने गाय की रोटी रख दी है, ये रोटी है जो को नीचे जाऊँगी ना तो गाय को दे दूँगी। देखिए एकदम से स्लिप चेंज हो गई ना, कितनी साफ़ हो गई ना। और मैं ना इस पर सरप थोड़ा सा डाल के, तब क्योंकि चिकनी चिकनी सी हो जाती है तो सरप वगैरह डाल के इसको साफ़ कर देती हूँ तो और भी ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती है। और जो बर्तन धोने की है वो उसको भी चमका देती हूँ। तो बस मेरा ये किचन विचन हो जाएगा, फिर नहाए आऊँगी, बच्चों को नहला दूँगी और फिर अपना खुद को तैयार कर लूँगी, बस ये काम है। फिर दोपहर में ये आ जाते हैं, सुबह जाते हैं दोपहर में ये, तो आज इतना काम हो गया था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बाप रे बाप। होता है ना कभी कभी किसी किसी दिन कुछ ज़्यादा काम हो जाए, कपड़ों का, किचन का, कहीं कुछ, तो और सारे स्लिप पे, सारे दीवालों पे, टाइल पे कपड़ा मार दिया है क्योंकि छींटे वगैरह चले जाते हैं ना, तो इसीलिए। और दूध को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, जब तक मैं काम करूँगी जब तक ठंडे हो जाएं, बर्तनों को गीला कर दिया है क्योंकि सूखे बर्तन फिर हो नहीं पाते हैं। और ये थैली वगैरह इनको समेट दूँगी, गीले कपड़े से सारा ये साफ़ कर दूँगी और फिर इसमें पोंछा वगैरह लगा दूँगी। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, और ऊपर से बर्तन धोते हैं ना तो नीचे पानी आता ही आता है, तो इसलिए अभी झाड़ू नहीं लग पाया, अभी बर्तन में पानी डाला ना तो नीचे आ गया है, झाड़ू ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसलिए मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है।
तो चावल वगैरह आलू मैंने धो लिए थे, पतले पतले से पीस काट लिए थे। एक आलू लिया है, आप लोग चाहें तो दो ले सकते हैं। और मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसमें हींग जीरा डाला है। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे पास खड़े मसालों का गर्म मसाला है, तो फिर वो डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो गर्म मसाला डाल सकते हैं। और लहसुन प्याज सब कुछ, अदरक वगैरह सब कुछ मैंने पहले से ही काट के रखा था। हरी मिर्ची डाल दी है, फिर लहसुन डाल दिया, और उसको भुजने के बाद इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे जो जो मुझे चाहिए थे, और हम जितना खाते हैं उसके हिसाब से डाला है। मसाला हो गया तैयार। भाई यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं पुलाव, पनीर वाले पनीर मैंने घर पे ही बनाया था, तो इसीलिए देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू और चावल को मैंने एक साथ ही धो लिया था, और इनको अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए घर का पनीर ज़्यादा अच्छा बनता है, और आपको पता है सामने करते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे डाल दिया मैंने गरम मसाला, और ये दूध डाल दिया। आप सोचेंगे दूध क्यों, तो जो मैंने पनीर को फाड़ा था उसका जो पानी निकला था ये वो वाला पानी है, इसको फेंकेंगे नहीं, इतना स्वाद बनाता। मेरे हस्बैंड कह रहे थे प्रीति आज तो मन खुश कर दिया, बहुत बार बोला। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, तो हकीकत में बहुत टेस्टी बने थे। देखिए चावल बन के रेडी हो गए, एक एक चावल हो गया। ये देखिए एक एक चावल आप गिन सकते हैं। पानी एकदम मैंने अंदाजे से रखा था, पनीर का पानी फेंकना नहीं चाहिए, यूज में लेना चाहिए। आटा गूंद लो और नहीं तो चावल में डाल लो। और ये मैंने नमकीन में से काजू मूंगफली, ये मेरी मिक्सर नमकीन होती ना, उसमें से निकाल लिए थे। देखिए कितने सुंदर इतने ही निकले, और इसमें डाल दी। देखिए घर का पनीर कितना बढ़िया से तैयार हुआ है। ये देखिए इसमें डाल दिए पनीर छोटे छोटे पीस करके, और इसमें अब और फिर डाल दूँगी नींबू। ये देखिए सिर्फ धनिए की कमी रह गई थी, इसमें नींबू डाल दिया है। और ये मैंने थोड़ा लेट बनाया है, बच्चों को दूध दूध नमकीन नमकीन दे दी थी, ये आ जाइए 12-1 बजे आते, तो अभी 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने लेट बनाया, ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, तो मैंने ये लेट बनाए थे, ये आ गए हैं। अब इनके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए एकदम से ले लूँगी प्लेटों में, और इसको हिला दूँगी। ये देखिए, और अब ना पनीर तो एकदम सॉफ्ट होता है, थोड़ी देर हिला के ढक के रख देंगे, ये एकदम पनीर हो जाएगा। हमारे घर जैसा बनता है, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो फिर आप देख लीजिएगा, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे इतने दिनों बाद हम दोनों गए हैं सब्जियाँ ख़रीदने के लिए, हस्बैंड वाइफ, तो नींबू अदरक सब कुछ बाज़ार में अच्छे भाव पे अच्छे रेट का सामान मिलता है, महंगा नहीं। गलियों में जो ठेले लगा के रखते हैं जो परमानेंट, वो महंगा देते हैं, बाज़ार में सस्ता मिलता है। तो यहाँ पे हमने लहसुन लिया, अदरक लिया, नींबू लिए, इन्होंने लिए थे। ये वाली अदरक अच्छी नहीं है जो मैं दिखा रही हूँ, उधर वाली अच्छी है जो कि हमने ली है। ये देखिए हर तरीके की चीज़ होती है, अच्छी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है, थोड़ी सी ऐसी क्वालिटी की होती है। इतना बाज़ार नहीं लगा था, मतलब जितना लगना चाहिए, क्योंकि अभी इतना, जैसे पहले यहाँ पे कपड़े वगैरह का सबका लगता था, पर इतना अभी नहीं है। ठीक है, पर सब्जी अब्जी का लगने लगा, यही काफ़ी है, नहीं तो ये भी नहीं। ये सूट वगैरह यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मेन रोड है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती है। देखो मुझे डर लग रहा था, मैं इनके साथ साथ जा रही थी, अब इस उस पार भी सब्जियाँ लगती हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह देखी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने लिए हैं टमाटर, यहाँ पे 1.5 किलो टमाटर लिए थे। मतलब इतनी सब्जी ले ली थी मेरी, जो मेरी एक हफ्ते तो चल जाए। और मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। देखिए बैंगन शिमला मिर्ची कितने सुंदर दिख रहे हैं, भिंडी वगैरह सब। तोरई तो देखिए हम गांव में खाते नहीं थे और ऐसे ही रहती थी, यहाँ पे देखिए तोरई भी हमने ली है। जो जो लिया है वो दिखाऊंगी मैं आपको। जीवीकंद किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए कितनी भीड़ हो रखी है, और देखिए कद्दू कितना बड़ा है, और देखिए कटहल कितने। हमारे यहाँ पर ना कटहल को काट कर और अच्छे से वैसे करके देते। देखिए आपके यहाँ पर कटहल को काट कर देते या नहीं देते हैं? तो फाइनली इतने दिनों बाद हम पति पत्नी बाहर गए, अच्छा लगा। बच्चे घर पे ही थे, छोड़ गई थी टीवी चला के, मकान में नीचे वाली से बोल गई थे तो वो लोग देखे रहे थे। और सोना वंशिका रह जाते हो, बाज़ार कोई दूर नहीं है, जो यहाँ के लोग हैं उनको पता है हमारे घर से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 2-3 मिनट लगते हैं। हम बाजार आए, हम दोनों और सोना वंशिका को नीचे वाली पास बैठी है, टीवी वगैरह चला के आ गए हैं, और सब्जी भी गर्मी। अब तो हम आ गए अपने घर के पास, आ गए ज़्यादा जी।
और अब इनको थैले दे दी, मैं थक गई हूँ, तो चलिए अब घर चलो। ज़्यादा दूर ले जाए ले नहीं लेके इशारा तो मैंने भी उठाया नहीं था। हाँ ज़्यादा दूर ले जाने के लिए बहुत थक गए अभी तो, अभी तो अभी अभी तो दिए मैंने हर तो लेके आता हूँ पहले। हमारी हर जगह लड़ाई स्टार्ट हो, बोलते आती है तो फिर तू लेके क्यों नहीं आती हो सामान, थोड़ा तो थक जाती ना, इतनी दूर आए बहुत तो है ना। चलो तो घर चलते हैं, सारी सब्जी वगैरह तो मैंने ली है, मैंने भी ली है, बस इतना नहीं लगा है, तो चलिए घर चलते हैं। तो चलिए अब घर चल रहे हैं, इस वाले वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब जा रहे फटाफट से घर पे, और देखिए ये मेकअप का सामान, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।